नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद आलोक ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं टीस्टी फिस्टी के ही तहत, जो विद्वान विचारक है जिन पर पूरा का पूरा आपके एक पोर्शन विशेष की प्रक्रिया स्थापित है जिसके द्वारा अंक निर्धारित होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं थिंकर की, बिना विचारक के टीस्टी पीस्टी की जो भी वैकेंसीज, जो भी परीक्षाएं होती हैं, बिल्कुल मान के चलिए कि असंभव जैसी दिखती हैं। क्यों? क्योंकि विचारक ही राजनीति व्यवस्था के मुख्य निर्माणकर्ता कहलाते हैं, जिनके ही सिद्धांतों पर, जिनके द्वारा दिए गए मूल आधारों, सिद्धांतों और परिभाषाओं पर पूरा का पूरा राजनीतिक व्यवस्था का आधारशिला टिका हुआ है। तो हमने पिछली क्लास में हमने प्लेटो के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी राजनीतिक विचारक के तहत बात करेंगे रूसो की। किसकी बात करेंगे? रूसो की। यानी याद रखिएगा, हमारे यहां, हमारे कोचिंग परिवार में, टारगेट विद आलोक में, याद रखिए, टीस्टी पीस्टी की वैकेंसीज के लिए जो वैकेंसीज नहीं आई हैं, उनके प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है। ऐसे प्रवेश प्रक्रिया में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे संस्थान के इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है एडमिशन से संबंधित, तो आप व्हाट्सएप के द्वारा इस नंबर पर बात कर सकते हैं, 8382955694। ये व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप अपनी बातों को लिखकर बता सकते हैं अथवा आप बातें भी रख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको अन्य और जानकारी, आपको लग रहा है कि इस व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कम जानकारी मिली है, तो अगर आप और अपनी जानकारी चाहते हैं और हमारी कोचिंग की चीजों को आप जानना चाह रहे हैं, एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया को, तो आप इन नंबर पे संपर्क करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और अपनी प्रवेश प्रक्रिया को समझकर प्रवेश ले सकते हैं। क्लियर है? ये आपको बोर्ड पे दिख रहा है नंबर, इन दो नंबर के माध्यम से, एक ये नंबर जो डिटेल से आपको जानकारी दे रहा है, एक ये, मान लीजिए आप अपना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। आज मैंने आपको बताया पढ़ेंगे किसके बारे में, जीन जैक्स रूसो के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीन जैक्स रूसो के बारे में पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल कहां से कहां तक है? 1712 से लेकर 1778 तक इनका कार्यकाल है। 1712 से लेकर 1778 तक का कार्यकाल किसका है? जीन जैक्स रूसो का है। अब देखिए, रूसो किस लिए जाने जाते हैं? मेन टॉपिक हम आज के जो लेक्चर को उठाएंगे, वो उठाएंगे इनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत को, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, रूसो के पहले थॉमस हॉब्स जॉन लॉक और आज जिन्हें हम पढ़ेंगे जीन जैक्स रूसो को, अर्थात रूसो के पहले थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ने भी सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। इसका मतलब हमको इस क्लास में किसके लिए पढ़ना है? रूसो के लिए पढ़ना है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और बाद में आगे चलकर हम क्या करेंगे, जब क्लासेज आरंभ होंगी अथवा एक वीडियो हम लोग बनाएंगे किसके लिए, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। रूसो के बारे में कहा जाता है हरफन मौला विचारक। हरफन मौला विचारक मतलब जब कष्ट पड़े तो भाग जाओ,
प्रकृति प्रेमी विचारक, प्रकृति प्रेमी विचारक, हरफन मौला विचारक। लेकिन इससे भी ज्यादा रूसो के बारे में जब कहा जाता है तो याद रखिए, पहले रूसो का जन्म 1712 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुआ है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुआ है, क्लियर है यहां तक? अब देखिए, रूसो के बारे में कहा गया है कि रूसो कभी भी विद्यालय नहीं गए शिक्षा के लिए। रूसो कभी भी विद्यालय नहीं गए हैं शिक्षा के लिए। रूसो इतने प्रतिभावान थे कि उनके प्रतिभा के ही कारण उन्होंने स्वतः चीजों को देखकर एक ज्ञान अर्पण कर लिया। उन्होंने जो जो तथ्य देखे, जो जो तत्व देखे, उन्हीं में से इन्होंने ज्ञान को अर्जित कर लिया और ये कभी भी विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने नहीं गए। बताया जाता है कि इनका प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय रहा। माता के देहांत के बाद पिता अपने जीवन में व्याभिचार के जीवन में व्यस्त हो गए और रूसो इधर उधर भटक कर ही अपने जीवन का यापन करते रहे। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, रूसो के बारे में कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरणा स्रोत। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरणा स्रोत कौन कहलाते हैं? रूसो कहलाते हैं। इसका मतलब स्विट्जरलैंड से ये बाहर कहां गए होंगे? फ्रांस गए होंगे, जहां पहुंचकर इन्होंने अपने शिक्षा को सबके बीच क्या किया, व्याख्यायित किया और लोगों को वहां रूसो समझ में आए। मतलब अपनी जन्म स्थली में रूसो किसी को समझ में नहीं आए। रूसो कहां समझ में आए? रूसो फ्रांस में समझ में आए, इसीलिए इन्हें फ्रांसीसी विचारक कहा गया। फ्रांसीसी विचारक की संज्ञा दी गई, क्लियर है? अब देखिए, इसके अलावा बात की जाए रूसो की, तो रूसो फ्रांसीसी क्रांति के जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रांसीसी क्रांति के जनक कहलाते हैं। और कारण क्या माना जाता है? बताया जाता है कि रूसो की एक पुस्तक थी, रूसो की एक पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी पुस्तक थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रूसो ने 1762 में लिखी थी। रूसो ने इस पुस्तक को 1762 में लिखा था और इसी पुस्तक में रूसो ने प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक समानता प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में लिखा है। यानी इस पुस्तक में रूसो ने प्रकृति का जो प्राकृतिक अवस्था है, जिसे आप आदिम अवस्था कहते हैं, जिसे आप आदिम अवस्था कहते हैं, ऐसी प्राकृतिक अवस्था में रूसो क्या कर रहे हैं? रूसो इनका वर्णन कर रहे हैं। प्राकृतिक अधिकार क्या थे, कैसे लोग उस समय समान थे, इतनी अच्छी स्वतंत्रता थी लेकिन लोगों के मन में अपने पराए की बात नहीं थी। ये क्या था? ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य थीम था। यही द सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य आधार बन गया। और ऐसी फ्रांस में क्रांति हो गई और इस क्रांति का मुख्य नारा ही हो गया
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के इन्हीं आधारों को लेकर फ्रांस में लोगों ने मांग आरंभ कर दिया। लोग अब समझ गए कि यहां क्या चाहिए, हमें भी उस प्राकृतिक अवस्था आदिम अवस्था की तरह स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, आपस में भाईचारा चाहिए, अपने पराए की बात ना हो, सबके लिए एक समान की बात हो। इस आधार पर ही फ्रांस में क्रांति हुई और उस क्रांति का मुख्य नारा ही क्या हो गया, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, ये मुख्य नारा, मुख्य थीम किसका था? ये मुख्य नारा, मुख्य थीम था फ्रांस की क्रांति का। और माना जाता है इस फ्रांस की क्रांति पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो रूसो का है। इसके अलावा रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक, सॉरी जनक हो गई, भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? यानी हमने अभी रूसो के बारे में यहां तक पढ़ा। अब देखिए, रूसो को अगर समझना है तो याद रखिएगा, रूसो के बारे में कहा जाता है रूसो सदैव वर्तमान में जीते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि रूसो के पास पीछे ऐसा कोई इतिहास नहीं था, ऐसी उनके जीवन में कोई अस्तित्व पीछे नहीं था जिनके आधार पर वो व्याख्या कर पाते। तो क्या कहा जाता है, वो हमेशा वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में जीते हैं, इसलिए अतीत के कार्यों का उनको पछतावा नहीं है और भविष्य के कार्यों के लिए चिंता नहीं है। अर्थात व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, तो व्यक्ति को वर्तमान में सोचना चाहिए, रूसो कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद उस तरीके का जीवन जीते हैं और कहते हैं अतीत के कार्यों में पछतावा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लौट नहीं सकता। भविष्य के कार्यों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, यही कारण है कि रूसो को प्रकृति प्रेमी, हरफन मौला विचारक भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि रूसो के विचारों में अजीब द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब एक तरफ ये एक ही समय में एक तरफ ऐसे युग की बात करते हैं जो युग इनके कल्पना में है, उसी समय ये ऐसे युग की बात करते हैं जो युग यथार्थ में है। अर्थात ये आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों के मिश्रण की बात करते हैं, दोनों के मिश्रण की बात करते हैं। कैसे करते हैं ये समझिए। कहा जाता है रूसो, अगर इनकी बात की जाए तो रूसो का मुख्य आधार है प्राकृतिक आधार। क्या है? प्राकृतिक आधार। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इनकी पुस्तक है रूसो की, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है रूसो की, इस पुस्तक में ही रूसो ने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, राज्य, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध, एक नागरिक सभ्य समाज का उदय, इन सब की चर्चा की है। एक नागरिक सभ्य समाज, इन सब की चर्चा की है। और कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये देखिए बेसिकली रूसो के कई व्याख्या है, कई विचार है, सारे विचारों को तो हम एक साथ नहीं समझ सकते। आपको करना क्या है,
आज केवल हम इस विचार को समझेंगे, अगली और क्लास में हम लोग कंप्लीट रूसो को पढ़ते चलेंगे और उनके अन्य विचारों को देखते चलेंगे। रूसो के अगर सामाजिक समझौते के विचार को समझना है तो याद रखिए रूसो की एक चीज समझ लीजिए, अगर रूसो के सामाजिक समझौते के विचार को समझना है इसका मतलब हमें प्राकृतिक अवस्था को समझना है। प्राकृतिक अवस्था को समझना है तो हमें रूसो का थोड़ा सा थोड़ा प्रारंभिक जीवन को समझना है। बताया जाता है कि जब रूसो प्रारंभिक अवस्था में सभ्य समाज को देखते थे और खुद कहीं भी जो भी मिल जा रहा है भोजन कर ले रहे हैं, कहीं भी जगह मिल जा रही है, पेड़ के नीचे, जमीन पे, कहीं भी जंगल के बीच में वो आराम से सो जा रहे हैं। इसका मतलब समाज से हटकर एक व्यक्ति, एक बच्चा खड़ा है जो उस समाज को देख रहा है, उसको समझ में आने लगा इस समाज में क्या है, क्योंकि वो समाज तो एक सभ्य समाज है और ऐसा सभ्य समाज इन्हें हीन दृष्टि से ही देखता होगा। इसका मतलब रूसो को समझ में आ गया कि इस सभ्य समाज में अपने पराये का, ऊंच और नीच का काफी भेदभाव है, काफी भेदभाव है। और रूसो ने जब विचार करना आरंभ कर दिया, जब रूसो बोलने लगे, यानी रूसो बोलने लगे मतलब कब, जब रूसो को लगा कि इस चीजों पर टिप्पणी करके हम समाज के स्वरूप को बदल सकते हैं, समाज के लोगों को हम एक एक विचार दे सकते हैं, उनको एक प्रकार से हम सीख दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। जब रूसो बोलना आरंभ किए तो अपनी पुस्तक में इन सब का समावेश कर डाले। उन्होंने सभ्य समाज पे बड़ी टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि इस सभ्य समाज को जो आप देख रहे हैं इससे अच्छा तो मेरी प्राकृतिक समाज है, प्राकृतिक अवस्था है। इसका मतलब आज का यह टॉपिक समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, आज के इस टॉपिक को समझने के लिए हमें रूसो की प्राकृतिक अवस्था को समझना होगा। रूसो का प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत, इस अवस्था में रूसो ने अपने विचारों को दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक अथवा आदिम अवस्था और एक सभ्य समाज। देखिएगा यही जो सभ्य समाज है यही सामाजिक समझौते में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये दो समझा जाए। ये दो को समझने के लिए ये समझिए कि रूसो क्या कह रहे हैं। रूसो कह रहे हैं प्रारंभिक अवस्था वह अवस्था होती है जो आदिम अवस्था होती है, जिसमें आरंभ में मनुष्य रहता है। ये सृष्टि जब जब बनेगी अथवा जब से बनी है दो अवस्थाएं रही हैं। एक होता है प्राकृतिक अथवा आदिम अवस्था जो प्रारंभ की अवस्था होती है, जिसमें आदिम समाज के लोग रहते हैं। ऐसे आदिम समाज के लोग बिना संपत्ति के लोग हैं, बिना संपत्ति के है इसलिए इनको किसी चीज की चिंता नहीं है, चिंता नहीं है कि भविष्य कैसा होगा, मेरी संपत्ति का सुरक्षा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वर्तमान में जीते हैं। और ऐसे वर्तमान में जीते हैं जिसमें इन्हें पता है ये प्रकृति है, इस प्रकृति के हम बच्चे हैं और हम चूंकि इस प्रकृति के गोद में खेल रहे हैं इसलिए प्रत्येक मानव समान है और सब हमारे हैं, हम सबके हैं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। अर्थात ऐसी अवस्था में मानव समान रूप से एक समान है, स्वतंत्र है, अधिकार भी सबके बराबर है। क्यों? संपत्ति है नहीं, तो जब संपत्ति नहीं है तो एक वर्ग विभेद करने की जो क्राइटेरिया है वो खत्म है। अधिकार कैसा, इन्हें पता है कि अगर वृक्ष पर फल लगा है तो सब तोड़ के खाएंगे, सबका है। किसी ने अब तक यह नहीं कहा कि यह वृक्ष मेरा है अथवा यह फल मेरा है। फिर क्या है,
लोगों में एक दूसरे के प्रति केवल एक चीज है, केवल एक जानकारी है कि हम सब मानव हैं, प्रकृति के इंसान हैं। तो अपने पराये की बात नहीं है, स्वार्थ की बात नहीं है। लोग कैसे हैं तो लोग सबको अपना मानते हैं, और ऐसे लोग भ्रष्ट नहीं है, ऐसे लोग परमार्थ की भावना रखते हैं। किसकी भावना रखते हैं? परमार्थ की भावना रखते हैं। माना जाए आदिम अवस्था क्या है तो निजी संपत्ति के पूर्व की अवस्था है। निजी संपत्ति के पूर्व की अवस्था है। सभ्य समाज संपत्ति के उदय के बाद की अवस्था। यहां तक क्लियर होगा। अब आगे देख लीजिए, इन्होंने कहा जहां आदिम समाज है वो अच्छा है, प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी अवस्था है, ना तो संपत्ति है तो दो प्रकार का भय तो खत्म है। संपत्ति सुरक्षित रहे इसका भय खत्म है। जिसके पास संपत्ति है वो ये चाहता है भैया मेरी संपत्ति सुरक्षित रहे, इसका भय उसके अंदर हमेशा बना रहेगा। जिसके पास नहीं है उसके मन में हमेशा ये चिंता रहेगी कहां से वो संपत्ति मेरी भी बन जाए। इसलिए प्राकृतिक अवस्था आरंभ की अवस्था है और ऐसी अवस्था अच्छी अवस्था है। इन्होंने बताया अच्छा, और ये भी याद रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछा जाता है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि प्राकृतिक अवस्था जो रूसो बताते हैं इस पर किसका प्रभाव दिखता है। रूसो प्राकृतिक अवस्था तो बताते हैं और प्राकृतिक अवस्था का आरंभ, प्राकृतिक अवस्था का आरंभ जॉन लॉक से करते हैं। क्लियर है? मैंने आपको बताया कि रूसो क्या कर रहे हैं, रूसो अपने प्राकृतिक अवस्था को बता रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक अवस्था का आरंभ वो किसके सिद्धांतों से करते हैं? जॉन लॉक के सिद्धांतों से करते हैं। और प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करते हैं थॉमस हॉब्स के सिद्धांत से। ये मैंने आपको क्यों बताया, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रूसो की प्राकृतिक अवस्था पर किसका प्रभाव दिखता है, तो दोनों का दिखता है। और कैसे दिखता है तो ये भी क्लियर है, प्रारंभ कर रहे हैं जॉन लॉक से, खत्म कर रहे हैं हॉब्स पे। कह रहे हैं आरंभ की अवस्था काफी अच्छी अवस्था थी, अराजकता नहीं थी, लोग समान थे प्रकृति से, जो भी मिल रहा था वो लोग उसमें खुश थे, सबके साथ परमार्थ की भावना थी, सब लोग मिलजुल के रहते थे, अर्थात संपत्ति के उदय की कल्पना नहीं हुई है। कालांतर में आगे चलकर क्या हुआ है, इन्होंने कहा कि ये जो प्राकृतिक अवस्था थी ये विवेकहीन अवस्था थी, लोग विवेकहीन थे, परमार्थी थे अर्थात लोग स्वार्थी नहीं थे, स्वार्थी नहीं थे। अब देखिए, और लोग कैसे थे तो ये कहते हैं कि लोग बड़े स्वावलंबी थे और लोग एक दूसरे को समझते थे, पशु पक्षी की तरह जन्म लेते थे, पशु पक्षी की तरह जन्म लेते थे, भेड़ बकरियों की तरह मर जाते थे, लेकिन किसी में कहीं से भी ये भावना नहीं थी कि मैं ज्यादा उच्च हूं, मेरी ज्यादा श्रेष्ठता है, सब समान थे, पशु पक्षी की तरह जीवन है और ऐसे ही इनका मृत्यु है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, फिर ये कहते हैं इसी प्राकृतिक अवस्था में जनसंख्या में वृद्धि हुई,
इसी प्राकृतिक अवस्था में जनसंख्या में वृद्धि हुई, और ऐसी जनसंख्या के वृद्धि ने क्या कर दिया, ऐसी जनसंख्या के वृद्धि ने लोगों के मन में निजी संपत्ति, क्यों भैया, जब प्रकृति में चीजें ज्यादा थी, प्राकृतिक चीजें ज्यादा थी, लोग कम थे, लोग कम थे तो चलो ठीक है भैया सब कोई खा रहे, लेकिन जब प्राकृतिक संसाधन कम होने लगे, जनसंख्या बढ़ गया, लोग डरने लगे, मेरा, मेरे अपनों का, मेरे अपने यहां जो आएंगे लोग उनका ये कहां से स्वार्थ पूरा होगा, कैसे इनकी पूर्ति होगी। इसके लिए जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई वैसे ही संपत्ति का उदय हुआ, वैसे ही संपत्ति का उदय हुआ, और इसी संपत्ति के उदय ने, इसी संपत्ति के उदय ने कला और विज्ञान को जन्म दिया, कला और विज्ञान को जन्म दिया, और इस कला और विज्ञान ने सभ्य समाज को जन्म दिया। इस कला और विज्ञान ने किसको जन्म दिया, सभ्य समाज को जन्म दिया। ये सभ्य समाज जो संसाधन हीन ना हो के संसाधन के साथ जी रहा है, ये इन्होंने बताया कि यही सभ्य समाज जो था क्या है, ये प्राकृतिक अवस्था का दूसरा चरण है। प्राकृतिक अवस्था का दूसरा चरण है, क्लियर है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चरण आपको समझ में आ गया है, अब आपको तब समझ में आ जाएगा इस प्राकृतिक अवस्था के चरण जो दूसरा चरण था, इसके निर्माण होने के जस्ट पहले, संसाधन के साथ साथ संपत्ति के उदय के जस्ट बाद अराजकता फैलेगी और सामाजिक समझौता आ जाएगा, क्लियर है। यानी क्या है, ये दूसरी अवस्था है, और अब क्या हो गया, इस अवस्था में व्यक्ति विवेकवान हो गया, व्यक्ति विवेकवान हो गया। अगर ऐसी अवस्था में व्यक्ति विवेकवान है, व्यक्ति संपत्ति रखता है, इसका मतलब व्यक्ति स्वार्थी है, अर्थात व्यक्ति अपने हितों की ही बात कर रहा है, अब उसमें परमार्थ की भावना समाप्त हो गई। ये कौन सी कंडीशन आएगी, यही आएगी अराजकता की व्यवस्था। क्या आएगी, अराजकता की व्यवस्था, जहां पर भ्रष्टता आएगी, जहां पर स्वार्थ आएगा, जहां पर अपने पराए की बात आएगी। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसके बाद याद रखिएगा, अब सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जन्म होगा। अब सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जन्म होगा। कैसे होगा, जब ये अवस्था आई, मनुष्य ऐसा हो गया, इसी अवस्था पर रूसो कहता है कि हे प्रकृति, मुझे फिर से विवेकहीन बना दो, मुझे फिर से अपनी गोद में ले चलो, मुझे इस सभ्य समाज से ले जाकर उसी आदिम समाज में लौटा दो, क्यों, क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं था, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन नहीं थी, लोग परमार्थी थे, एक दूसरे के थे, समान रूप से जीवन जीते थे। फिर वही रूसो कहता है कि मुझे उम्मीद कम है कि ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति जो विवेकवान हो गया है उसे फिर से उस आदिम अवस्था में ले जाकर विवेकहीन बनाया जाए। इसलिए मेरे हिसाब से क्या हो, एक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण हो, एक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण हो जो क्या करे, जो व्यक्ति को, यही व्यक्ति जो सभ्य समाज में रह रहे हैं, जो विवेकवान है, जिनके पास अपनी संपत्ति है, उन्हीं व्यक्तियों में फिर से उसी आदिम समाज की तरह नैतिकता आ जाए, परमार्थ आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो ये समाज सबसे अच्छा होगा। रूसो इसी समाज को सबसे अच्छा समाज कहते हैं। रूसो यहीं पर खुद के लिए टिप्पणी करते हैं कि मेरे विचार में द्वंद्वता है। कैसे है, मैं कहीं बहुत उत्कृष्ट विचार रखता हूं और कहीं मैं बहुत निकृष्ट विचार रखता हूं, कहीं मैं बहुत उत्कृष्ट रखता हूं और कहीं मैं बहुत निकृष्ट रखता हूं। इसीलिए कहा गया कि रूसो का एक पैर
आदर्श वाद की ओर चल रहा है, उसी समय दूसरा पैर यथार्थवाद की ओर चल रहा है। उसी समय रूसो का दूसरा पैर यथार्थवाद की तरफ चल रहा है, अर्थात रूसो के विचारों में यथार्थवाद और आदर्शवाद का मिश्रण दिख रहा है, यथार्थवाद और आदर्शवाद का मिश्रण दिख रहा है। चूंकि ये प्रकृति पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए प्रसिद्ध विचारक मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है। रूसो को क्या कहा है? प्रकृति का शिशु कहा है। अब देखिए ये जो दूसरी अवस्था है ये क्या है? रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन, इस सिद्धांत का वर्णन कहां किया है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? ये सब क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। रूसो अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि एक तरफ प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लाकर जिंदा कर देते हैं और दूसरी तरफ सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा ये बता देते हैं कि निरंकुशता कितने चरम तक हो सकती है और उसके अलावा संप्रभुता कितनी चरम तक जा सकती है। व्यक्ति जनसंख्या के साथ मिलकर किस तरह अपने अधिकारों को बनाकर किसी को दे भी सकता है और किस तरह उसको छीन भी सकता है। ये कौन है? ये रूसो, जिन्होंने फ्रांस में अपने जनक अपने जन्म स्थली को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाकर क्या कर दिया? एक नई क्रांति करा दी। हम उनकी बात करते हैं। मूल उद्देश्य क्या है रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का? स्वतंत्रता की प्राप्ति। कौन से स्वतंत्रता की प्राप्ति? वही जो सभ्य समाज हमें दिख रहा है, जिस आदिम समाज के दूसरे चरण ने अराजकता फैला दिया था, उस स्वतंत्रता की प्राप्ति। क्लियर है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये बताते हैं कि सामाजिक समझौता एक प्रकार से क्या क्या निर्भर करता है, कैसे लोगों ने मिलकर अपने अधिकारों को किसी और को दिया है, उसकी बात करते हैं। इसमें एक सवाल और पूछा जा सकता है सामाजिक समझौते की विधि। याद रखिएगा, इसमें रूसो सामाजिक समझौते की विधि का आरंभ करते हैं थॉमस हॉब्स से, और ऐसे सामाजिक समझौते के सिद्धांत में मूल तत्व लाते हैं जॉन लॉक के विचारों से। कहां से लाते हैं? जॉन लॉक के विचारों से, अर्थात सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर। इनके जो सामाजिक समझौता बनाया गया है वो किस पर आधारित है? बनाया गया जो विधि है वो थॉमस हॉब्स पे, शामिल जो तत्व है वो जॉन लॉक पर आधारित है। अब देखिए क्या है इसके बाद। इसमें इन्होंने बताया है मनुष्य किस प्रकार अपनी उसी प्राकृतिक अवस्था से, जहां संपत्ति आ जाने के बाद अराजकता फैल गई, जब अराजकता फैल गई लोगों में होड़ मच गया, जैसे एक प्राकृतिक अवस्था थी, ढेर सारे संसाधन हैं और मनुष्य भी हैं, संसाधन इतना है कि मनुष्यों के अंदर अब तक स्वार्थ की भावना और संपत्ति के निजीकरण की भावना नहीं आई। जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधन में कमी हुई, वैसे ही निजी संपत्ति का उदय हुआ और इस निजी संपत्ति ने लोगों में स्वार्थ की भावना ला दी और लोग एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगे और लोगों के अंदर उस रहने वाली जगह में
जिस जगह का अब तक समाज में गठन नहीं हुआ है लोग रह रहे हैं। अराजकता फैल गई, लोग ऐसे चरण से दुखी हो गए, ऐसे चरण से लोग इतने परेशान हो गए कि सबने मिलकर एक ऐसे संगठन के निर्माण की आधारशिला रखी, सोचा कि एक ऐसा संगठन बना लिया जाए, एक ऐसा समूह बना लिया जाए जहां लोग कुछ नियमों कानून के द्वारा बंध जाएं और अपनी अपनी शक्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो उनके समाज को व्यवस्थित रूप से चला सके, नियम कानून बना सके। किसके लिए? खुद उनके जीवन के लिए, खुद उनके जीवन के लिए। ऐसे ही सभ्य समाज की जो स्थापना हो रही है, ये जो कारक है वही तो सामाजिक समझौता है, अर्थात समाज के निर्माण के लिए समझौता जो हुआ उसी को इन्होंने सामाजिक समझौता नाम दिया। यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या होता है। ऐसी कंडीशन में, ऐसे सामाजिक समझौते के सिद्धांत जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या था कि जब उस अराजकता के कारण लोग परेशान हुए, व्यथित हुए, तो लोगों ने मिलकर एक जगह इकट्ठा सब हुए और एक जगह इकट्ठा होकर इन सब ने एक विचार किया कि क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसे समूह संस्था को अपनी सारी शक्तियां दे दें और उनसे कह दें कि आप हमारे लिए कार्य करें, नियम बनाइए। तो लोगों ने क्या किया? यही कार्य किया और लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपनी समझ शक्तियों और अपने सभी अधिकारों को उस एक व्यक्ति विशेष को दे दिए और अब उस व्यक्ति विशेष ने क्या किया, खुद वो उस समाज का जिसका संगठन हुआ उसका मेन मुख्य पदाधिकारी बन गया और इन लोगों के समाज की सुरक्षा रक्षा के लिए नियम कानून बनाने लगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति तानाशाह हो जाएगा कब? जब थॉमस हॉब्स कह रहे हैं, जब थॉमस हॉब्स कह रहे हैं। रूसो ने क्या कहा? रूसो ने कहा ऐसी स्थिति में व्यथित और परेशान लोगों के समूह ने, जनसंख्या ने उस आदिम अवस्था के दूसरे चरण को छोड़कर अब खुद संगठित होकर एक समाज का निर्माण कर दिया और अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य, अपने अधिकार इस समाज को दे दिया, सारी शक्तियां इसी समाज को दे दिया। लेकिन चूंकि समाज को दिया था ना, समाज में एक तरफ समाज का पूरा बहुल संख्यक था जिसने दिया था और एक तरफ समाज का वो अंग था जिसको ये शक्तियां मिली थी। इसका मतलब थॉमस हॉब्स ने जहां एक व्यक्ति विशेष के अंतर्गत, एक व्यक्ति विशेष जिसे उन्होंने राजा माना था, उसको शक्तियां दे दी, तो उनका राजा निरंकुश हो गया, उनका राजा निरंकुश हो गया। रूसो निरंकुशता में थॉमस हॉब्स से आगे चले गए, थॉमस हॉब्स से आगे चले गए। इन्होंने पूरे के पूरे अपने अधिकारों को किसे दे दिया? समाज को समर्पित कर दिया। पूरे के पूरे अधिकार जो थे रूसो के, वो किसे दे दिया? समाज को दे दिया। अर्थात इन्होंने, जहां थॉमस हॉब्स ने एक व्यक्ति को निरंकुश बनाया, रूसो ने पूरे समाज को निरंकुश बना दिया। अगर पूछा जाए निरंकुशता में सर्वोच्च कौन? रूसो सर्वोच्च। क्यों? थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत एक व्यक्ति को निरंकुश बना रहा है, किसी एक में दे रहा है शक्ति, वो व्यक्ति निरंकुश हो गया कि सारी शक्तियां तो मेरे पास है। लेकिन जीन जेक्स रूसो ने क्या किया? पूरी की पूरी शक्तियां जो समाज का गठन हुआ उसको दे दिया, अर्थात पूरा का पूरा समाज निरंकुश हो गया। लेकिन रूसो चूंकि समाज के ही तो अंग थे, वो जो व्यक्ति समूह ने समाज को अपना अधिकार दिया था वो खुद समाज का अंग था, इसलिए भले ही निरंकुशता सर्वोच्च पर थी, निरंकुशता सर्वोच्च पर थी, भले ही निरंकुशता सर्वोच्च पर थी, लेकिन याद रखिए जहां जॉन लॉक ये कहते हैं कि जो मेरा राजा है, यानी थॉमस हॉब्स के बाद जॉन लॉक भी तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं, वो क्या कहते हैं कि जब इस अवस्था में, बर्बर की इस अवस्था में मनुष्यों ने एकत्रित होकर एक ही समझौते द्वारा समाज का भी निर्माण कर दिया, राजा का भी निर्माण कर दिया, तो अब वो व्यक्ति जो निरंकुश हो सकता था थॉमस हॉब्स के कारण, जॉन लॉक कहते हैं कि मेरा राजा
ऐसे समाज की शक्तियों को पाकर निरंकुश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ही समझौते द्वारा दो चीजों का निर्माण हुआ है, एक राजा का, दूसरे प्रजा का। तो ऐसी प्रजा राजा से अपने अधिकारों को छीन कर अपने को लोकतंत्र साबित कर सकती है। यहां एक व्यक्ति की बात कर रहे थे जॉन लॉक कि राजा से छीनना है, और कुछ व्यक्ति जिन्होंने मिलकर समझौता किया था वो छीनेंगे। अर्थात एक व्यक्ति यानी कुछ लोग लोकतांत्रिक हुए। लोकतंत्र के भी दिशा में, लोकतंत्र के भी दिशा में माना जाता है कि जहां जॉन लॉक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे, वहां रूसो जॉन लॉक से एक कदम आगे बढ़ के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनक हो जाते हैं और कहते हैं कि मान लीजिए मेरा पूरा समाज निरंकुश हो गया, मैं निरंकुशता के सर्वोच्च पर हूं, तो भी जॉन लॉक तो ये कहते हैं कि मेरे कुछ वर्ग के लोग उस व्यक्ति से अपने अधिकारों को छीन लेंगे, उसे निरंकुश नहीं बनने देंगे, इसलिए लोकतंत्र जिंदा रहेगा। ये अप्रत्यक्ष है, लेकिन रूसो ने कहा कि मेरा समाज पूरा का पूरा निरंकुश हो जाएगा, तो हम जो व्यक्ति विशेष है जिन्होंने मिलकर इसका गठन किया है, हम पूरे समाज से अपने अधिकारों को छीन लेंगे। क्यों? क्योंकि हम समाज के एक अंग हैं, हमें अधिकार है समाज के नियमों कानूनों के बारे में जानकारी लेने का। एक ट्रस्टशिप के माध्यम से हमने आपको अधिकार दिया था, हमें नहीं समझ में आया, हम आपसे छीन लेंगे। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी जॉन लॉक से ज्यादा सर्वोच्च कौन हो जाता है? रूसो हो जाते हैं। रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत भले ही थॉमस हॉब्स से आरंभ हो, जॉन लॉक पे खत्म हो, लेकिन इन दोनों से सर्वोच्चता में आगे है, इसीलिए रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। चूंकि रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत निरंकुशता में थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक को पीछे छोड़ देता है, इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है और जाने भी रही है रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को, रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को लेवियाथन से भी ज्यादा निरंकुश माना गया है। क्या कहा गया है? रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत लेवियाथन से भी ज्यादा निरंकुश है। क्लियर है? लेवियाथन से भी ज्यादा निरंकुश है। और वाहन ने इसे, प्रसिद्ध विचारक वाहन है, इन्होंने इसे शीश रहित लेवियाथन कहा है। शीश रहित लेवियाथन कहा है। और इसके अलावा याद रखिएगा, हर्नशा भी कहते हैं कि लेवियाथन कुछ नहीं, सामान्य इच्छा का सिद्धांत कुछ नहीं है। अगर लेवियाथन का कटा सर आपको देखना हो, तब रूसो का सामाजिक सिद्धांत है, रूसो का सामाजिक सिद्धांत है। तो याद रखिएगा, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में रूसो निरंकुशता में भी सर्वोच्च है, जहां थॉमस हॉब्स से ज्यादा निरंकुश है। लोकतंत्र अर्थात संप्रभुता की बात की जाए, जो जनता में निहित है, तो ऐसी संप्रभुता लोकतंत्रता में भी वो जॉन लॉक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है? ये था रूसो की सामाजिक समझौते का सिद्धांत। याद रखिएगा, बिना विचारक के, टीस्टी पीस्टी के कोई भी परीक्षा सफल होना असंभव है, इसलिए हमारी यही कोशिश होती है कि विचारक आपकी सबसे महत्वपूर्ण तरीके से तैयार रहे। तो ये हमारे आपके लिए ये था कि टीस्टी पीस्टी में हमारे यहां प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। आपको अगर लगता है तो मैंने वो नंबर आपको बोर्ड पे दिया, आप उस पर संपर्क करके अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकते हैं। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, और इस प्रकार ये जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था एग्जाम के लिए, सारे बिंदु को मैंने इसमें समाहित करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिएगा, और इसको देखकर आप ये
जो मेरा लेक्चर था। इस लेक्चर में एक कोशिश ये भी थी कि कहीं ना कहीं से थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक को भी मैं ला के शामिल कर सकूं। अभी मैंने तुलना नहीं किया है, सिर्फ मैंने आपको केवल उसमें शामिल करके दिखाया है कि तीनों का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य अथवा इसका अर्थ किस रूप में निकलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।